नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 जनवरी। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। स्टाफ नर्स के पद पर निकाली गई रिक्तियां। बिहार हेल्थ सोसाइटी ने स्टाफ नर्स के 4102 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org पर 20 जनवरी 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और आवेदन भर सकते हैं। खगड़िया के कत्यानी स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। खगड़िया जिले के फरकिया इलाके में स्थित धमारा घाट रेलवे स्टेशन के समीप मां कत्यानी का दरबार स्थित है। यह देश भर के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर के अपमान से मर्माहत सती ने अपनी जान ले ली थी और शोकाकुल महादेव विषुप्त हो गए थे। सती के शव को कंधों पर लिए उन्होंने रुद्र रूप में तांडव शुरू कर दिया था। सृष्टि को अवश्यंभावी विनाश से बचाने के लिए तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र सती का अंग भंग किया था। सती के दिव्य देह के विविध अंग अलग अलग क्षेत्रों में जागिरे थे। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठ बन गए। जहां पर कोसी नदी के तट पर उनका दाहिना हाथ गिरा था। जमुई की बेटी ने बढ़ाया देश का मान। जमुई जिले के बरहट प्रखंड स्थित मलयपुर पंचायत के टेघरा गांव की रहने वाली निशु सिंह ने वाइल्ड सोल एडवेंचर के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोविंद वन जीव केदार कट अभयारण्य स्थित स्नो ट्रैक जो 300 मीटर यानी 12,500 फीट की ऊंचाई पर 2 दिन में चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है और 20 किलोमीटर बर्फीली पहाड़ी की दूरी तय की है। इससे पहले भी निशु ने अब तक 10 पर्वत पर चढ़कर देश के साथ साथ जमुई जिले का भी नाम रोशन किया है। निशु अपने साथ साथ लोगों की टीम ने बिहार के नालंदा जिले के अभिषेक रंजना, प्रिया रानी, अर्पना सिंह माउंटेन सिखाने के लिए ले गई थी। कोरोना के माहौल के बीच आज से खुल जाएंगे सभी स्कूल। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार में आज से सभी तरह के स्कूल खोल दिए जाएंगे। बिहार के में करीब 8,000 सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सोमवार से एक दिन में अधिकतम 18,30,971 विद्यार्थी आ सकेंगे। इन स्कूल में कुल मिलाकर 36,61,942 विद्यार्थी नामांकित है। सरकार के गाइडलाइन के अनुसार इनमें से हर कक्षा में आधे ही छात्र एक दिन में स्कूल आ सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना के कारण सरकारी स्कूल, कोचिंग कॉलेज समेत सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान 14 मार्च 2020 से बंद पड़े हैं। हालांकि 23 सितंबर से 9वीं और 12वीं तक के छात्रों को स्कूल आने की अनुमति दी गई थी। वहीं अब 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का निर्देश दिया गया है। बिहार में कोरोना के मिले 200 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 282 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,53,934 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 88 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सारण में 22 तो वहीं नालंदा में 17 मामले सामने आए हैं। 25 जनवरी को बिहार में विपक्ष बनाएंगे मानव श्रृंखला। भाकपा माले ने बिहार में किसान आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने वाले हैं। इसके लिए भाकपा माले ने महागठबंधन में शामिल सभी दलों को साथ आने को कहा है। इसको लेकर पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने भी अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि महागठबंधन की पार्टी कांग्रेस राज्य CPI CPIM को पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सहमति बनते ही इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी राज्य सचिव के हस्ताक्षर वाले कागजात को लेकर पार्टी नेता राजाराम और कुमार परवेज महागठबंधन की पार्टी के कार्यालय में पहुंचे थे और इस पर चर्चा भी की। बिहार पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए जल्द करें आवेदन। बिहार में मार्च से मई के बीच होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता बन सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 फरवरी तक आवेदन लेने का शनिवार को ऐलान कर दिया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया है कि पात्र मतदाता प्रपत्र भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। इसी तरह किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति के लिए प्रपत्र ख को भरकर जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 19 जनवरी को किया जाएगा। दावा आपत्ति के निराकरण के लिए 20 जनवरी से 8 फरवरी तक समय तय किया गया है। बिहार के 9 प्रमंडल में खुलेंगे टूल रूम। बिहार में जल्द ही 9 प्रमंडलों में टूल रूम खोलने की व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में 7 निश्चय 2 की तैयारियों में जुड़ी समीक्षा बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी प्रमंडल में एक तय मियाद के अंदर टूल रूम के लिए स्थल का चयन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपे। प्रदेश में पहली बार 7 निश्चय योजना 2015 में प्रभावी की गई थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अब 7 निश्चय 2 के तहत कई योजनाओं का चयन करते हुए इन्हें कार्यान्वित करने की दिशा में कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में योजनाओं को प्रभावित करने के लिए बैठक हुई, जिसमें भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेडिंग सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया गया है।
राजद के ऑफर पर जदयू अध्यक्ष ने तोड़ी चुप्पी। अरुणाचल प्रदेश में हुए वाकये के बाद लगातार राजद की तरफ से जदयू को महागठबंधन में शामिल होने के ऑफर दिए जा रहे थे, जिसको लेकर अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुप्पी तोड़ दी है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हम लोग किसी के पास दरख्वास्त लेकर नहीं गए थे। हमारे नेता नीतीश कुमार अपनी ताकत से आगे बढ़ेंगे, हमारी अपनी ताकत है और इसकी बदौलत हम आगे रहेंगे। साथ ही उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कहा कि यह मानव का टीका है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में मुफ्त में टीकाकरण करवाए जाने की बात भी कही है। भाजपा अपने नेताओं को गुरु मंत्र देने के लिए हुई तैयार। 9 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर यानी कि राजगीर में प्रशिक्षण शिविर भाजपा आयोजित करवाने जा रही है, जहां पर भाजपा अपने नेताओं को गुरु मंत्र देने वाली है। हालांकि इस ट्रेनिंग का आयोजन उसी वक्त होना था जब संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन लगभग एक साल के बाद अब भाजपा का यह प्रशिक्षण शिविर नीतीश कुमार के गढ़ यानी नालंदा में ही आयोजित किया गया है, जिसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सतर्क करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी भाजपा से सावधान रहिए। जिस नालंदा के राजगीर में आप बैठक कर कई बड़े राजनीतिक फैसले लेते हैं, वहीं आपके घर में भाजपा पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को लेकर बिहार में अब खोली जाएंगी जांच लैब। बिहार के सभी प्रमंडल मुख्यालय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय और लैब को खोले जाने की योजना शुरू कर दी गई है, जिसके बाद प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय हो सकेंगे। फिलहाल राज्य में केवल मुजफ्फरपुर और बरौनी में ही परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद है, जबकि पटना, गया और पूर्णिया के क्षेत्रीय कार्यालय और लैब तो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित परिषद मुख्यालय में ही चल रहे हैं। हवा जहरीली हो गई है और नदियों का पानी भी नहाने लायक नहीं बचा है, जिसके कारण राज्य के कई जिलों के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसे नापने की कोई सुविधा नहीं है। राज्य सरकार अब विभिन्न जिलों में वायु गुणवत्ता मापने के लिए 24 नए स्टेशन स्थापित करने जा रही है। केएफसी में गुम हुई पूर्णिया डीएम की इंगेजमेंट रिंग को मैनेजर ने किया वापस। बिहार के पूर्णिया जिले के डीएम राहुल कुमार अक्सर ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। वहीं बीते दिन उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने केएफसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले स्टाफ की ईमानदारी की तारीफ की। मिली जानकारी के अनुसार डीएम राहुल कुमार नए साल के मौके पर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित केएफसी रेस्टोरेंट में थे, जहां उनकी उंगली में से उनके सगाई की अंगूठी स्लिप कर गई थी, जिसके बाद वहां के आउटलेट मैनेजर सुमन को जब उनकी अंगूठी मिली तो उसने उसे संभाल कर रख दिया और अगले दिन डीएम राहुल कुमार के दोस्त गौरव को दे दिया। डीएम ने अपने ट्वीट के जरिए केएफसी की आउटलेट मैनेजर को धन्यवाद दिया है। भारत में एक साथ आया दो दो टीका। भारत में कोरोना को हराना और ज्यादा आसान हो गया है। कोविड-19 का सामना करने के लिए ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। डीजीसीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ऐसे में एक साथ दो टीके की मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। यह वैक्सीन देश के नागरिकों को ही दी जाती है। इससे पहले एक्सपर्ट कमेटी ने इन दोनों वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी और इसके इस्तेमाल की अनुमति के लिए डीजीसीआई से सिफारिश की गई थी, जिस पर बीते दिन मुहर लग गई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आभार जताया है और ट्वीट करके बधाई दी है। बिहार में इस साल आएगी बियाडा की डिस्काउंट पॉलिसी। इस साल बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की डिस्काउंट पॉलिसी अस्तित्व में आने वाली है। उद्योग के लिए जमीन हासिल करने में सहूलियत को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। इस साल सितंबर में इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया था और विधानसभा चुनाव के पहले इसकी घोषणा कर दी गई थी, पर विभागीय स्तर पर यह विषय लंबित चल रहा था। आपको बता दें, डिस्काउंट पॉलिसी में यह व्यवस्था है कि एक समान नीति के तहत कोई भी उद्यमी अपने उद्योग की स्थापना के लिए जमीन ले सकेगा। बियाडा की डिस्काउंट पॉलिसी सभी के लिए एक समान है। जमीन की दर इस नीति के तहत पूर्व से ही तय होगी। इसके निकटवर्ती कृषि जमीन की जो भी कीमत होगी उसका 1.5 गुना अधिक बियाडा की जमीन की दर होगी। बिहार में लगने वाला नया बिजली मीटर मोबाइल से होगा कंट्रोल। उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत बिजली कंपनी आपके घर आकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम कर रही है। इसके प्रीपेड मीटर के अंदर जाने से अधिक और गलत बिजली बिल आने की शिकायत दूर होगी। बिजली चोरी करने का गुना और पकड़े जाने वाले को मिलने वाली सजा की अब संभावना ही खत्म हो जाएगी। विभागीय अधिकारी का कहना है कि उपभोक्ता के लिए स्मार्ट मीटर कई अर्थों में अधिक लाभकारी है। बताया जा रहा है कि अप्रैल 2021 तक पूरे बिहार में प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपने मोबाइल से आसानी से उसका रिचार्ज कर सकते हैं। वहीं अब आपको स्मार्ट प्रीपेड मीटर से मिलने वाले बिजली बिल में इस बात की पूरी जानकारी होगी कि किस दिन कितनी बिजली की खपत हुई है। इस नए बिजली मीटर को आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकेंगे।
बिहार पशुपालन विभाग के लापरवाह अफसरों की अब खैर नहीं। पशुपालन विभाग की योजनाओं में लापरवाही करने वाले अफसरों की अब खैर नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने पशुपालन विभाग की योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती से पेश आने का निर्णय लिया है, क्योंकि हाल ही में अफसरों पर दुधारू पशुओं के ईयर टैगिंग अभियान में लापरवाही के मामले सामने आए हैं। विभाग की समीक्षा में एक दर्जन जिले में गड़बड़ी मिली है। पशुपालन निदेशालय ने लापरवाह अफसरों के वेतन को रोक दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दुधारू पशुओं को 12 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है। हालांकि जिन अधिकारियों के वेतन रोके गए हैं उन पर यह आरोप है कि इन अधिकारियों ने ईयर टैगिंग के लिए राशि खर्च नहीं की थी। 9 महीने बाद पटना हाईकोर्ट में आज से शुरू होगी फिजिकल सुनवाई। कोविड-19 को लेकर के सभी संस्थान पर ताला लग गया था, मगर 9 महीने बाद एक बार फिर से आज से पटना हाईकोर्ट के दरवाजे खुलने वाले हैं, जहां पर फिजिकल हियरिंग की शुरुआत होने वाली है। हालांकि फिजिकल हियरिंग के लिए तमाम तरह की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत हर जज की कोर्ट में 25 मामलों की प्रतिदिन फिजिकल सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीमित संख्या में ही लोग और वकील रह सकेंगे। पटना हाईकोर्ट में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय के लिए लगभग 9 महीने तक वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई की गई थी। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण कई विमान हुए लेट। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण विमानों की आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। कोहरे के कारण ही बीते दिन कई विमान देरी से परिचालित हो रहे थे। दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई और अहमदाबाद से आने वाले विमान विलंब से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। विमान विलंब होने से यात्रियों की भीड़ लगातार देखने को मिल रही थी। प्रवेश द्वार पर लंबी कतार देखी जा रही थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा यात्री सुविधा को लेकर एक कमेटी भी गठित की गई थी। कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आईडी कार्ड की जाँच होने के कारण प्रवेश द्वार पर भीड़ बढ़ रही है। वहीं आईडी कार्ड की जाँच को लेकर पटना एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश चंद्र नेगी ने कहा है कि 15 जनवरी से अब प्रवेश द्वार पर यात्रियों के आईडी कार्ड की मैनुअल जाँच होगी। राजद ने शिक्षा और शिक्षकों के प्रति बिहार सरकार के रवैये पर उठाया सवाल। शिक्षा और शिक्षकों के लिए राजद ने एक बार फिर से अपनी आवाज उठाई है, जिसके तहत राजद ने यह आरोप लगाया है कि बिहार सरकार के शिक्षा और शिक्षकों के प्रति रवैये ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। प्रदेश प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने कहा है कि राज्य सरकार जानबूझकर शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। सरकार अपने द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने में टालमटोल कर रही है। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि साल 2018 में 94,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसे पहले न्यायालय के चक्कर में उलझा दिया गया। 6 सप्ताह के बावजूद सरकार द्वारा काउंसलिंग की तारीख की घोषणा नहीं की गई। आरोप लगाया इसके उलट नियुक्ति की मांग को लेकर मधुबनी में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को भी पीटा गया था। अब पटना में नालों की सफाई होगी हाईटेक। नालों की सफाई को राजधानी पटना में हाईटेक तरीके से करने की योजना बनाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में अंडरपास नालों की सफाई के लिए रोबोट की मदद ली जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जैसे ही नगर निगम को रोबोट मिलेगा, नालों की साफ सफाई का काम जोर पकड़ लेगा। नगर निगम के इस काम की सराहना करते हुए विशेषज्ञों ने कहा है कि इसके लिए तैयारी पूरी करनी होगी, कहीं यह योजना भी अनेक योजनाओं की तरह हवा हवाई ना बनकर रह जाए। पटना शहर के अंडरपास नालों की सफाई के लिए सफाई कर्मी को आए दिन 2-4 होना पड़ता था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस का उद्घाटन 1972 में आज के दिन हुआ था। मंगल ग्रह पर भाप का विश्लेषण करने हेतु अमेरिका यान मार्स पॉसर लैंडर प्रोब का 1999 में प्रस्थान आज के दिन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री जफर उल्लाह खान जमाली के बीच 2004 में इस्लामाबाद में वार्ता आज के दिन आयोजित की गई थी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आदेश पर 2010 में शेयर बाजारों के खुलने का समय 1 घंटे पहले सुबह 9 बजे कर दिया गया था। 4 जनवरी 1994 को राहुल देव बर्मन यानी कि आरडी बर्मन ने दुनिया को अलविदा कहा था। हिंदी फिल्म के मशहूर संगीतकार थे वो। 1925 में आज के दिन कवि गोपाल दास नीरज का जन्म हुआ था। 1931 में आज के दिन अभिनेत्री निरुपमा रॉय का जन्म हुआ था। 1965 में आज के दिन अभिनेता आदित्य पंचोली का जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नियमों को लेकर गहराया मामला। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के बीच नए साल के मौके पर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी मेलबर्न के एक रेस्टोरेंट में खाने गए थे। इस दौरान पंत द्वारा एक फैन को गले लगाने के आरोप में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एहतियात के तौर पर सभी खिलाड़ियों को क्वारंटीन कर दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्टर्स फॉक्स क्रिकेट की तरफ से एक ट्विटर पर एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें कि पिछले महीने 7 दिसंबर को भारत के कप्तान विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के साथ सिडनी के एक दुकान पर शॉपिंग करने के लिए गए थे। दुकान के कर्मचारियों को विराट और हार्दिक के साथ तस्वीर लेते हुए देखा गया था। उर्मिला मातोंडकर के ऑफिस खरीदने पर कंगना ने कसा तंज। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों
से कई मुद्दों को लेकर सेलेब्स पर निशाना साधती रहती हैं। इसी क्रम में अब उन्होंने एक बार फिर से उर्मिला मातोंडकर पर तंज कसा है। मेरी जानकारी के अनुसार उर्मिला ने राजनीतिक पार्टी शिवसेना को ज्वाइन करने के बाद मुंबई में अपने ऑफिस के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी है। इसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस पर रिएक्शन देते हुए कंगना ने कहा कि काश मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट होती। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, प्रिय उर्मिला मातोंडकर जी, मैंने खुद की मेहनत से घर बनाया, वो भी कांग्रेस ने तोड़ दिया था। सच में भाजपा को खुश करके मेरे हाथ सिर्फ 25 से 30 केसी लगे हैं। काश मैं भी आपकी तरह समझदार होती तो कांग्रेस को खुश करती। कितनी बेवकूफ हूं मैं। भारत में जल्द फौजी होगी रिलीज। पबजी के बंद होने के बाद यूजर को बेसब्री से देसी गेम फौजी का इंतजार है। आखिरकार इस गेम के अनाउंसमेंट के तकरीबन 4 महीने के बाद इसे लॉन्च की तारीख का खुलासा हो गया है। फी एयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स फौजी को जब अनाउंस किया गया था तो उस वक्त महज 24 घंटे के भीतर ही 10 लाख से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए थे। 91 मोबाइल में छपी रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु बेस्ड डेवलपर्स एनकोर गेम्स ने खुलासा किया है कि फौजी गेम को इसी महीने गणतंत्र दिवस के मौके पर आगामी 26 जनवरी को देश में लॉन्च किया जाएगा। शुरुआती जानकारी के तौर पर यह गेम एंड्रॉइड यूजर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,060 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,060 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,200 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.21 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बाबुल कुमार, रंजन कुमार, सद्दाम हुसैन, मनीष मोरम, रमेश सिंह, प्रियंका कुमार, अनिता चौरसिया, रिंकू पंडित, प्रेम लता कुमारी, श्वेता रॉय, विनोद कुमार सार्दिया, परवीन, सौरभ कुमार, बबीता यादव, चंद्रशेखर महतो, ब्रजेश कुमार, पप्पू कुमार, साहिल कुमार, उजाला चौधरी, कुंदन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर चलाए जा रहे ड्राई रन से बिहार में कोरोना पर हासिल होगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।